गाइस फाइनली एक बार फिर से यहाँ पर जे ओसो ने अपना भाईचारा यहाँ पर टॉप पे रखा, वो भी जिमी ओसो के साथ और रोमेज के साथ। और जे ओसो के यहाँ पर रिटर्न करने के बाद जिमी ओसो ने आखिर इनके बारे में क्या कहा? इस बार के स्मैकडाउन पे यहाँ पर क्राउन ज्वेल का मैच यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है ब्लड लाइन के बीच। उसके बाद इस बार का जो रेसुमेनिया 41 होने वाला, ये जॉन सीना के करियर का लास्ट मैच होगा। उसके बाद क्या कोडी रोड का यहाँ पर टाइटल खतरे में है, इस पर यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का क्या रिएक्शन, आइए देखते हैं आगे के वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट और रूमर्स से, आइए देखते हैं इस वीडियो में। पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस आप इस फोटो को देख सकते हैं, जहाँ इस फोटो में उनके साथ यहाँ पर रोमरेज और जी ओसो और जिमी ओसो साथ में। पहला फोटो यहाँ पर डिनोट इसको करता है जब उन्होंने इसके बारे में सपना सोचा था कि ब्लड लाइन टीम आखिर कैसी होनी चाहिए थी। उसके बाद ये दूसरा फोटो जब उन्होंने यहाँ पर ब्लड लाइन टीम तैयार किया तीनों मिलकर यहाँ पर। और तीसरी फोटो यहाँ पर तब वायरल हुआ जब इन्होंने ब्लड लाइन का पूरा कारनामा कर दिखाया आखिरकार। इस बार का रेसुमेनिया जो होने वाला, ये जॉन सीना के करियर का वन ऑफ द लास्ट रेसुमेनिया मैच नहीं बल्कि इनके करियर का लास्ट मैच होगा। तो गाइस इसके बाद से जॉन सीना यहाँ पर एक भी रेसलिंग मैच यहाँ पर फाइट करते हुए नहीं दिखाई देने वाले, इस पर इन्होंने खुद टीज करते हुए बताया। वैसे गाइस आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये फोटो काफी सिमिलर है जब यहाँ पर सेमी ज़ेन और केविन ओवेन ज्वाइन हो रहे थे तो यहाँ पर कोडी रोड का रिएक्शन कुछ इस प्रकार। और कल के स्मैकडाउन पर जब यहाँ पर जिमी ओसो और जी ओसो यहाँ पर एक दूसरे को गले मिल रहे थे तो रोमेज का रिएक्शन कुछ इस प्रकार। तो गाइस रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पर फाइनली कन्विंस कर लिया ट्रिपल एच को अपने मैचेस के लिए, जो कि इनका मैच होने वाला है क्राउन ज्वेल में केविन ओवेन वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच। वैसे रैंडी ऑर्टन ने कल के स्मैकडाउन में आने से पहले यहाँ पर ट्रिपल एच से बात कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कोडी रोड को लगभग 200 दिन हो चुके हैं यहाँ पर अंडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप बने हुए। हालांकि गाइस यहाँ पर कोडी रोड रेसुमेनिया से ही चैंपियन बने हुए जब उन्होंने लास्ट टाइम यहाँ पर रोमेज को रेसुमेनिया में हराया था। तो गाइस इस बार का रेसुमेनिया यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हाई रॉकेट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रेसुमेनिया का टिकट कुछ ज्यादा ही सेलिंग प्राइस पर है। तो गाइस इसके पीछे का सीधा सा रीजन ये है कि जॉन सीना के करियर का वन ऑफ द लास्ट मैच होगा। उसके बाद इस बार के रेसुमेनिया में यहाँ पर ट्रिपल थ्रेट भी मैच देखने को मिलेगा रोमरेज वर्सेस द रॉक वर्सेस कोडी रोड के बीच। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्राउन ज्वेल में एक मैच और यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है यहाँ पर ब्लड लाइन टीम के बाद। यहाँ पर कल का स्मैकडाउन समाप्त होने के बाद रोमेज ने यहाँ पर इट बोला जी ओसो को रिटर्न करने के बाद। हालांकि ये वाला सीन हमें अगले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को देखने को मिलेगा, जहाँ रोमेज यहाँ पर गले मिलेंगे जी ओसो और जिमी ओसो के साथ। तो अभी हमने जैसा की बात की, यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का मैच ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है केविन ओवेन के साथ क्राउन ज्वेल में। तो यहाँ पर जी ओसो के रिटर्न करने के बाद जिमी ओसो ने इनके बारे में एक ट्वीट किया कि यहाँ पर बैक टू होम, यानी कि एक बार फिर से यहाँ पर ब्लड लाइन टीम वापस आ चुकी है। तो गाइस रैंडी ऑर्टन का रिएक्शन देखकर साफ यही पता चलता है कि यहाँ पर कोडी रोड का जो टाइटल है वो खतरे में है। कल जब यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड को बचाया था तो उनका टाइटल उठाने के बाद सबसे पहला नजर उनका टाइटल पे ही गया। मानो ऐसा लगता है कि आगे चलने के बाद रैंडी ऑर्टन यहाँ पर खुद डिस्ट्रॉय करेंगे कोडी रोड को इस टाइटल के लिए। तो गाइस कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे यहाँ पर कोडी रोड ने फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ पर गुंथर के ऊपर अटैक कर दिया। तो गाइस इनके बीच लगभग यहाँ पर रैलवरी स्टार्ट ही हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि आखिर क्राउन ज्वेल में विनर कौन होगा इनके बीच। उसके बाद आज का लास्ट और फाइनल अपडेट यहाँ पर सेथ रॉलिन को लेकर है। तो सेथ रॉलिन के बारे में एक ऐसा फैक्ट है कि सेथ रॉलिन 3 महीने के बाद उनका पहला यहाँ पर विन हुआ है, वो भी यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ।